निकल रहे ऋषिकेश के लिए। राज के सारे बाल कटने जा रहे हैं। अरे वाह। वेलकम बैक टू सेवी डायरीज। तो आज हम लोग जा रहे हैं ऋषिकेश एंड दिस इज अ रूट मैप फॉर टुडेज जर्नी। दिल्ली से ऋषिकेश का जो डिस्टेंस है दैट इज 250 किलोमीटर और जो मिडवे पड़ेगा दैट इज 125 किलोमीटर। सो विल टेक वन ब्रेक देयर। डिस्टेंस कम है तो हम लोग निकले 6:45 अपने घर से। नाउ देयर इज अ ब्यूटीफुल सनराइज राइट इन फ्रंट ऑफ अस। आज हमारी मॉर्निंग वॉक मिस हो गई है बट व्हेन यू सी दीज मॉर्निंग वॉकर्स यू रियलाइज कि अभी इंडिया कितना ज्यादा हेल्थ फ्रीक हो चुका है। अर्ली मॉर्निंग निकलते हैं, ट्रैफिक कम मिलता है, रोड्स इतनी अच्छी हैं और आपको सनराइज इतना अच्छा दिखता है। राज कहाँ जा रहे हो आप? राज के लिए मुंडन के लिए जा रहे हैं हम लोग, मुंडन कराने के लिए। विराज का ऋषिकेश। यस। राज के सारे बाल कटने जा रहे हैं। विराज के लंबे लंबे बाल देख लो भाई। विराज के बाल कट। विराज के मुंडन हो जाएगा भैया। लेफ्ट साइड में स्वामी नारायण टेम्पल है जो कि बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत आर्किटेक्चर है इसका। अभी हम लोग तो जा रहे हैं ऋषिकेश जो कि योगा कैपिटल है वर्ल्ड का। एट्स अ गेटवे टू ऑल द 4 तीर्थ, केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री, गंगोत्री, हेमकुंड साहिब। तो अभी तो हम सारे धाम नहीं जाएंगे क्योंकि अभी हम लोग बहुत स्पेशल ओकेजन के लिए जा रहे हैं, विराज के मुंडन के लिए जा रहे हैं। So we'll be staying there for 4 days. तो देखिए हमारी क्या क्या एक्टिविटीज हुई है, हम लोग यहाँ पे कहाँ कहाँ गए हैं। आप जल्दी निकलते हो तो आपकी शुरुआत इतनी अच्छी होती है, यू गेट टू सी ब्यूटिफुल सनराइज। और ये हाईवे इतने अच्छे हो चुके हैं कि अब ट्रैवल करने में बहुत मजा आने लग गया है। तो जितनी भी सिटीज आएंगी रास्ते में, मेरठ, मुजफ्फरनगर, तो वो सारे बाईपास करते हुए निकल जाएंगे एंड विल रीच अर्ली ऋषिकेश। अभी हमने जितने भी रोड ट्रिप्स किए हैं फॉर द पास्ट 2 इयर्स बिकॉज ऑफ दीज गुड रोड्स हियर। This is the first toll plaza of this trip, जो अभी operational नहीं है but in the future it will be operational। और अभी हमें निकले हुए it's I think 2 hours हो चुके हैं, so we'll take a short break so I can see the midway। आपको McDonald's के साइज साथ समझ आ जाएगा। So it's exactly 125 kilometers from Delhi and 125 kilometers to Rishikesh। हम बिल्कुल center में आ चुके हैं, middle में आ चुके हैं। I can see so many food joints here, so Haldiram hai। So we'll have breakfast here, Haldiram hai yahan par। To dekhte hain yahan par hame kya milta hai। Viraj is very excited,
मैं सर सुबह ही उठ गया था, आपने जितने भी अगर हमारे पुराने ट्रिप्स देखे होंगे, सो ये गेट्स अप विद अस, और जब मैं पहले जो ट्रिप किया था अप्रॉक्सीमेटली सेम डिस्टेंस का 250 किलोमीटर, दैट वाज ऑफ जिम कॉर्बेट इन डिसम्बर। हम लोग विंटर्स में जिम कॉर्बेट गए थे विराज के साथ में, एंड ही एंजॉयड दैट ट्रिप वेरी मच। हमें वहाँ पे 5 टाइगर्स देखे हैं, वी स्टेड एट दिकाला देयर एंड वी स्टेड एट बिजरानी ऑल्सो, तो हम लोग तो गुड 10 डेज स्पेंड किए थे। सो आई हैव डॉक्यूमेंटेड ऑल दैट, सो इफ यू वॉन्ट यू कैन वॉच दैट सीरीज ऑफ आर जिम कॉर्बेट। अभी विराज को अंदाजा नहीं है कि उसके बाल कटने वाले हैं। मैंने इस रीजन में गन्ने की खेती होते हुए काफी देखी है, तो यहाँ का गुड अच्छा होगा। इनके वी वांट टू हैव सम ऑर्गेनिक गुड, वी शुड कम हियर एंड गेट ऑर्गेनिक गुड फ्रॉम हियर। हरिद्वार इज 42 किलोमीटर्स फ्रॉम हियर, और ये गंगा कैनाल स्टार्ट हो चुकी है। आप हरिद्वार जब क्रॉस करते हैं, सो यू गेट टू सी यूनिवर्सिटी ऑफ पतंजलि हरिद्वार राइट हियर। तो हम लोग हरिद्वार पहुंच चुके हैं, तो जो कुंभ हुआ था रिसेंटली उसकी वजह से हरिद्वार के जो एरिया है, उसके आसपास का जो एरिया है, उसको काफ़ी कुछ इम्प्रूव कर दिया गया है। यहाँ का इंफ्रास्ट्रक्चर इतना इम्प्रूव हो चुका है, तो इट्स गुड। इस तरीके के इवेंट होते रहने चाहिए, चाहे धार्मिक हो या किसी भी तरीके का, कहीं पर भी कोई इवेंट होता है तो वो जगह होती है, वो उसको अच्छा खूबसूरत बना दिया जाता है, उसका इंफ्रास्ट्रक्चर इम्प्रूव हो जाता है। तो हमें गंगा जी के दर्शन तो यहीं से हो चुके हैं। तो अभी ऋषिकेश हरिद्वार से 21 किलोमीटर्स है, अगर आप देहरादून से आते हो तो इट्स 45 किलोमीटर्स फ्रॉम देहरादून। अगर आप फ्लाइट से आते हो तो जो एयरपोर्ट है देहरादून का, तो 15 किलोमीटर्स फ्रॉम ऋषिकेश। गूगल को भी पता है शायद कि हमें वाइल्ड लाइफ बहुत पसंद है, तो अगर कहीं बीच में कहीं कोई वाइल्ड लाइफ का कोई जगह होती है तो वो हमें उसी रास्ते से लेके जाता है। तो अभी हमें राजा जी नेशनल पार्क से जो दिखा रहा है रूट, राजा जी नेशनल पार्क से दिखा रहा है। ब्यूटीफुल रोड के दोनों साइड इतना सुंदर कुछ ब्यूटिफिकेशन किया हुआ है, कहीं के साथिया बनाया हुआ है, कहीं लीव्स, इट्स रियली ब्यूटीफुल। साथ में ये गंगा कैनाल है जो कि इरिगेशन के लिए यूज होती है। तो ये वाला रोड ट्रिप ने हमें सब कुछ दिखा दिया है। वी स्टार्टेड विद द हाईवे, यमुना जी से स्टार्ट किया था और हम लोग गंगा जी तक पहुंच चुके हैं। इतना अच्छा हाईवे मिला है, इतनी अच्छी रोड्स मिली थी हमें दिल्ली से आते वक्त। नाउ ऑफ रोड ऑल्सो, आप इंडिया में हो और आपको ऑफ रोडिंग ना करने को मिले ऐसा हो नहीं सकता, सो वी डिड दैट ऑल्सो। So this is one of the 6 AIIMS of India, Rishikesh AIIMS. So due to the religious significance, non-vegetarian food and alcohol are strictly prohibited in Rishikesh, which is good. Or we recently ये एक पिलग्रिमेज टाउन से एक टूरिस्ट टाउन बन चुका है। तो 12:30 PM और हम लोग पहुंच चुके हैं अपने होटल विच इज लेमन ट्री। आइए ऊपर से बिल्कुल नीचे जाकर है गंगा जी का, तो रास्ता थोड़ा सा घुमावदार है, थोड़ा सा आपको केयरफुली जाना होगा। सो वी आर हियर फॉर 4 डेज, और हम लोग विराज का मुंडन जो कराएंगे वो 3rd डे पर कराएंगे यहाँ पर पहुँचने के बाद।
और अब बाकी 2 दिन हम लोग पूरा घूमेंगे। और अभी हमें डिसाइड भी करना है मुंडन कहाँ कराना है, तो लेट्स सी कि हम लोग कहाँ कराते हैं। एंड आई बी गिविंग यू द होटल टूर इन ऑल माई ब्लॉग्स, क्योंकि आपको रोज कुछ ना कुछ नया दिखाते रहेंगे, होटल का भी और ऋषिकेश का भी। मेन गेट से और बिल्डिंग तक जाने के लिए रास्ता कुछ ज्यादा ही खतरनाक है, सो यू हैव टू वेरी केयरफुल इफ यू आर कमिंग बाय योर ओन व्हीकल। रिसेप्शन, सो दिस इज वन ऑफ द बेस्ट होटल्स इन ऋषिकेश, बिल्कुल गंगा किनारे पर है ये। हम लोग जब लास्ट टाइम आए थे फॉर अ बेबी मून एंड दैट वी स्टेड एट ताज, और ताज यहाँ से 30 किलोमीटर से थोड़ा आगे जाके है, सो दैट्स अ ब्यूटिफुल प्रॉपर्टी। So I'll give you the tour of that property also in the coming video. हमने पूरा उसको डॉक्यूमेंट किया हुआ है, तो आपको आगे वाले वीडियोज में कहीं मिलेगा। अभी तो हम विराट के साथ जो भी हम एक्टिविटी करेंगे वो पहले आपको दिखाएंगे। एंड लुक एट दिस इज द लॉबी एरिया एंड यू कैन सी गंगा राइट फ्रॉम द लॉबी। सो विल गिव यू द होटल टूर, रूम टूर, ऋषिकेश टूर, और विराट का मुंडन हमने कैसे कराया है, कहाँ कराया है, कहाँ कहाँ किस किस आश्रम में हम लोग गए हैं। So we'll show you all that in the coming vlogs. You see the raft right there. जब आप इस तरह के जगह आते हो तो you get positive vibes from everywhere. आपको river दिख रही है, mountains दिख रहे हैं। You know, if you have any questions regarding this trip, you can ask us. We'll be happy to answer all your questions. Thank you.